हजे खजाना खाली है, हजे असं दे नहीं सकते। मैं कहूँगी कांग्रेस कर दी खाली है, की कहना मैं ना ही कहां कुछ तो ठीक है। लोगों जो कहना वो आपे कहे। जेडे मान साहब तो केजरीवाल कहते सी कि साल का 36,000 करोड़ का जिहड़ी करप्शन होंदी है उस करप्शन नू रोक के असी आ सारी स्कीमां पूरी करांगे। सो हुण मैनू लगता है तीजा महीना लग गया, फरवरी च इलैक्शन हुई सी, फरवरी दी करप्शन रुक गई, मार्च दी रुक गई, अप्रैल दी रुक गई, हुण मई दी। 36,000 विचों घट तो घट 15,000-10,000-15,000 तो कट्ठा हो गया होना है। सो वो जे कट्ठा हो गया तो वो आ स्कीम लागू करनगे। और लोगों ने तो वोटा 1,000 रुपए के चक्कर से तो 300 यूनिट बिजली माफ से बीबिया ने तो लाइना ला के वोटा पाइया सगिया। सो ये बड़ी दुख की गल है कि इलैक्शन तो पहले तुम कहो करप्शन रोकोंगे तो इलैक्शन के बाद तुम कहो कि खजाना खाली है। खजाने में तो तुम कर्जा लेके 2 महीने से 8,000 करोड़ का तो तुम कर्जा ले लिया है। उस 8,000 करोड़ के नाल बीबिया नू दो तुसी। फिर हकीकत आ हैगी कि एक रिवाज बन गया है पंजाब च, कदे कांग्रेस आके घर घर नौकरी कर्जा माफ़ी झूठे लारे सुआ खा के लोगों नू लुट के 1,00,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस पार्टी झाड़ के चली गई। ये पैसे किधर कौन कर्जाई हुए? पंजाब के लोग ही कर्जाई हुए ने। मैं सोचती सी लोग ये सचेत हो जाएंगे कि झूठ किवें मारते हैं, लेकिन अफसोस की गल हुई कि एक दूजी पार्टी उस तो भी वड्डा झूठ मार गई। उन्होंने फॉर्म भरा रहे 1,000-1,000 रुपए के 300 यूनिट बिजली के, लोग फिर उन्होंने झूठ विच साजिश विच फस गए। तो अज इस नवी पार्टी ने आन सार मार्च के महीने से कर्जा लिता, अप्रैल के महीने से कर्जा लिता, मई के अजे 15 दिन नहीं होए 1,000 करोड़ रुपए इस महीने, 8,000 करोड़ रुपए इन्होंने जो 3 महीनों से ले लिया तो फिर अंदाज़ा लगाओ कि 10 महीनों से 80,000 तो फिर 60 महीनों से वो पिछले वाले तो 1,00,000 करोड़ का कर्जा चाड़ गए से, इन्होंने किन्ना चाड़ देना। जे तुसी बजट दे तुसी सुझाव लेने तो कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी दे अखबारों के तो फुल पेज ऐड निकलते हैं कि पंजाब के बजट वास्ते सुझाव दो। जे सहुं चुक समागम होनी है तो कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी के फुल पेज एडवरटीजमेंट निकलते हैं। इतने एडवरटीजमेंट निकलते हैं एक हेल्पलाइन नंबर की करप्शन खत्म करने वास्ते, तो उस करप्शन वाली हेल्पलाइन चे किन्ने उत्थे करप्शन के कंप्लेंट्स गई ने, तो किहड़े बंदियां नूं तुसी फड़िया? ये पंजाब के लोगों नूं तां पता नहीं, लेकिन केजरीवाल साहब जाके हिमाचल प्रदेश से कहें कि 10 दिनों से पंजाब से करप्शन खत्म हो गई। हुण करप्शन खत्म हुई है कि नहीं ये तो तुसी दसो ना बठिंडे वासी। कल तो मैं तो देख रही सी जीरकपुर से कोई नायब तहसीलदार फड़िया गया, इतने बठिंडे से दस दो कि रजिस्ट्रिया से किसी ने आपके घर में रजिस्टर कराना तो 9,000 तो इतने तुम आप दसो की हो रहा। कदे केजरीवाल साहब कहते जे मुख्यमंत्री ईमानदार होए तो 10 दिनों से नशा खत्म हो जूगा, 10 दिन की जगह 60 दिन होने आए ने, तो आप 70 नशे की ओवरडोज की डैथ की रिपोर्ट तो तुम की है मेरे हिसाब न तो वह बठिंडे से शरेआम जिमें बिक रहा है वो वीडियो क्लिप्स दिख रही है। तो फिर तरन तारण से तो आम आदमी का आप ही सरपंच घरवाली फड़े गए नशे के नाल, तो फिर कि थोड़ा मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ईमानदार नहीं है कि नशे के 100 दिनों 100 तो वध मौत हो गई ने? तो नशे के कोई झूठी सौ गुटका साहब से खा के 5 साल नशा बेचता है, नवी पार्टी आती है कहते 10 दिन से 10 की जगह 60 दिन निकल गए, शरेआम वीडियो वायरल हो रही ने, थोड़े अपने बंदे नशे बेच रहे हैं। लेकिन नशा मैं लगता है ना कांग्रेस ने घटाया ना आपने घटाया, तो गल्ला दी गल्ला लोग तो मावा के पुत तो ही मरी जा रहे हैं। मैडम जो अकाली सरकार ने बिजली समझौते करे से विरोधी धिर तंज कर दिया से, पर हुण पंजाब दे बिजली मंत्री उही प्राइवेट थर्मलों से जाता लगता नहीं भी वह सरकार वास्ते सहारा बने हुए उही थर्मल हो? देखो दोनों आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस ने 2015 तो लैके अज तई कल्ले श्रोमणी अकाली दल दे दोनों ने रल के पंडी प्रचार किया। तुसीं बिजली की कर रहे हो, मैं नशे की गल कर रही हाँ। आही कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन तो पहले अखीरले दिन ताई अपने अफसर बिठा के की कुछ नहीं किया अकाली दल नू नशियां चे पंडन वास्ते। इन्हां 60 दिनां च बठिंडे च जिहड़ा कुछ हो गया हैगा उन्हां दे फड़े गए जिहड़े मूँह खोलिया सिद्धू ने मूँह खोलिया नशियां बारे, जिहड़े 60 दिनां च 60 मुंडे मर गए कि चन्नी ने खोलिया किसे कांग्रेसी, हुण नशा खत्म हो गया ना? हुण नशा दा मुद्दा कल्या अकाली दल नू टारगेट करन, बिजली के समझौते की तुम गल कर रहे हो। दोनों पार्टियां ने अकाली दल ने बेचता बेचता
रद्द करो PPS, रद्द करो पूरा कि जी किन्ने पैसे असी खा गए। हकीकत आ है कि जब बिजली दे कट लगदे सी श्रोमणी अकाली दल ने दिन रात मेहनत करके ये थर्मल प्लांट बनाए ते 2.86 रुपए दे जिहड़ी बिजली दे रेट 10 साल वास्ते जिहड़ा इन्होंने रद्द किए, अज उही बिजली ये 20 रुपए च खरीदन वास्ते तैयारी करके कर रहे ने। ये इन्हां दी सियासत हैगी, ये इन्हां दी इकोनॉमिक्स हैगी। लेकिन जिहड़े अकाली दल ने थर्मल प्लांट बनाए कांग्रेस ने उन्हां नूं बंद किए, ते हुण आम आदमी पार्टी हुण उही उन्हां नूं चलाउण वास्ते हुण कहिंदे कि चलाना पऊगा, क्योंकि इन्हां ने हकीकत आ कि बिजली दे कटां दे नाल लोकी अगे दुखी ने। 10,000 मेगावाट डिमांड वध गई है, तो अगले महीने जब झोने की बिजाई होनी है इस तो भी वध डिमांड जानी है। इस सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। जिहड़ा बिजली महकमा है वह पहली सरकार ते इन्हां सरकारां दी जिहड़ी मुफ्त बिजली दे वादे लारे जो भी इन्होंने झूठे किए ने अगे ही वह कर्जा पूरा नहीं किया। गांव की बिजली कितने पूरी करेगा, 300 यूनिट तो इन्होंने की देनी है। मैंने लगता बिजली ही नहीं आनी, जिवें सुखबीर जी कहते हैं कि इनवर्टर तो जनरेटर खरीद लो, थानू आम आदमी पार्टी के आन के नाल बिजली पूरी गुल हो जानी, खत्म हो जानी है। तो हालात तो ही पैदा हुए ने जोड़े हूँ तो ही देखे ने, गां इस तो भी माड़े होने। हर इंसान नू साड़ी कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट दिंदी है, राइट टू लाइफ, ये साड़ा संविधान हरेक इंसान नू दिंदी है। ते जेड़े अपने सिख पैन भरा बंदी सिख जिन्हां ने अपनी सजावां पूरी कर लीतियां ने, 20 साल की सज़ा की जगह 25 साल 27 साल 30 साल तो नज़रबंद है कि संविधान उन्होंने अप्लाई नहीं करता। तो जे संविधान हरेक इंसान वास्ते फिर इन्हों के वास्ते भी है, तो क्यों इन्हों बंदी सिखां रिहा क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि वह सिख है, उन्होंने हक बनता है। दूजी गल जे इन्होंने कोई गलत किया इन्होंने अपनी सज़ा पूरी की है। जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुरु साहब गुरु नानक पातशाह जी के 550 साल सिखा एक वादा किया कि इन्हों बंदी सिखा असी रिहा करांगे, फिर आज 4 साल हुण आए अपना वादा क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं। जे प्रोफेसर भुल्लर जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिहाई दी सी, केजरीवाल उन्हों की फाइल एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार उन्हों की रिहाई की फाइल दिल्ली से क्यों रोकी जा रहा है, इतने की आम आदमी पार्टी भगवंत मान ने क्यों यदा जवाब नहीं देंगे। सही गल आ हैगी कि पंजाब नूं लुटन वास्ते कांग्रेस होए या ये आम आदमी या दूजी विरोधी पार्टियां ये हर पक्षों पंजाब नूं लुटदियां ने कुटदियां ने, सानू अपना हक नहीं दिंदे। ते अज भी अपने भरावां नूं रिहा करन वास्ते मैनूं इस गल की खुशी है कि पंजाब की खेतरी पार्टी 100 साल पुरानी पार्टी, भावें असी 3 होए भावें असी 30 होइए भावें असी 90 होइए, जब 90 सी तां भी पंजाब के हकों वास्ते लड़ते सी, अज 3 ने अज भी असी ओके लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो बिट्टू का जवाब दे दे जिहड़ा कहिंदा रिहा नहीं होने से, कांग्रेस बिट्टू नाल खड़ी है कि बंदी सिखा नाल खड़ी है, तो आम आदमी पार्टी आ जवाब दे दे कि प्रोफेसर भुल्लर की फाइल साइन करके उन्होंने रिहा क्यों केजरीवाल नहीं कर रहा, तो चुप्पी धारी क्यों बैठी।